हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर, आप सभी बच्चों का फिलोलॉजिकल में स्वागत है। आज बच्चों, हम आपको एसएससी के बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आज आपके सामने लेकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, प्रैक्टिस सेट है, ध्यान से देखिएगा। बच्चों, जिन बच्चों ने इंग्लिश पढ़ रखी है, जिनको थोड़ा बहुत सीखना है, प्रैक्टिस करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए सेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द पॉइंट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन बच्चों है एरर का। पहला जो बच्चों पार्ट है वो आपका एरर सेक्शन है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एरर सेक्शन का मतलब समझते हैं बच्चों, एरर मतलब तो जानते ही आप लोग, एरर मतलब एरर ही होगी, ठीक है ना। जरा देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या है। ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट सेम एज हिज। कह रहा वह जानता है कि आपकी जो मसल्स है, मसल्स मतलब समझते हैं ना, मसल पावर, ठीक है ना। योर मसल्स आर नॉट सेम एज हिज, ठीक है ना। सेम एज समझते ना बच्चों, सेम के बाद भी एज आता है। योर मसल्स आर नॉट सेम एज इज। वैसे बच्चों इसमें बहुत ज्यादा मतलब जो है मेजर एरर तो नहीं लग रही है, लेकिन आप लोगों ने बच्चों सुना होगा जनरली द सेम होता है। क्या होता है? द सेम होता है, ठीक है बच्चों। और क्या आ जाता है बच्चों? एज आ जाता है। और सेम के द सेम के बाद दैट भी आता है, ठीक है ना। द सेम के बाद क्या आता है बच्चों? दैट भी आता है। तो यहाँ पर दैट का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? दैट के बाद क्लॉज आती है बच्चों। क्या आती है? क्लॉज। और इसमें जो होता है एज के बाद सीधा सीधा बच्चों कोई क्लॉज नहीं आता है, वर्ब क्लियर नहीं होती है, वर्ब क्लियर नहीं होती बच्चों, ठीक है ना। तो सेम के बाद एज लगा देते हैं। तो कह रहा है बच्चों आपकी जो मसल्स है वो सेम नहीं है, वैसी नहीं है जैसे कि उसकी मसल्स है। हिज मतलब उसकी मसल्स, तो आर नॉट द सेम। बस एरर बच्चों बहुत ज्यादा एरर, मोटी एरर नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग एरर नहीं है, बस यहां पर यही एरर लगा सकते हैं, आर नॉट द सेम एज हिज। तो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, और सॉरी आंसर आपका सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सेम वाले में के पहले बच्चों दा हो जाएगा। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश योर वर्क। ये बच्चों बहुत इजी एरर होती है। कभी भी आपके पास कोई भी आ जाए बच्चों, ऐसा सेंटेंस आ जाए, टिल आ जाए, उसमें लिखा हो अनटिल आ जाए, ठीक है, अनलेस आ जाए आपके पास, या इफ वगैरह लगा हो, तो ध्यान रखिएगा बच्चों कंडीशन जो होती है, कहने का मतलब बच्चों यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो रही है आपकी, ठीक है ना। अगर बच्चों कंडीशन लगी है तो कंडीशनल क्लॉज कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होती बच्चों, इनके साथ कभी भी हम लोग विल या शैल का प्रयोग नहीं करते। तो अगर आप लोग बच्चों ध्यान से देखिए, टिल यू विल, टिल के बाद क्या लगा है? विल। तो विल इज रॉन्ग। आंसर बच्चों आपका जो है आंसर सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। टिल यू फिनिश योर वर्क, विल का प्रयोग बिल्कुल भी वर्जित है, पूरी तरीके से यहां पर विल नहीं होगा। यू के बाद सीधा प्रेजेंट टेंस लगाइए, टिल यू फिनिश योर लंच। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर थर्ड। आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स। बहुत इजी एरर है बच्चों, आई एंड हिम बोल रहा है, आई एंड हिम बोल रहा है बच्चों, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा बच्चों इंग्लिश में एक रूल होता है बच्चों, ठीक है ना, दो तीन एक का रूल होता है, आप लोगों को पता होगा। पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, और फिर फर्स्ट पर्सन आता है। और सब्जेक्टिव केस होता है, चूंकि सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया जा रहा है, तो पहले हिम का कर दो बच्चों, ही कर दीजिए, और यहां पर क्या कर दीजिएगा? आई कर दीजिएगा, ही एंड आई हो जाएगा यहां पर आंसर। तो आंसर फर्स्ट इज राइट आंसर। फोर्थ वन इज वन शुड लुक आफ्टर दियर पेरेंट्स। ये भी बच्चों बहुत ही पेट एरर है, कभी भी आती तो आपको खुश करके जाएगी। वन का जो पजेसिव होता है बच्चों ध्यान रखिएगा, वो वंस होता है। वन का पजेसिव क्या होता है बच्चों? वंस होता है। इसको आप दिल के कोने कोने में बैठा लीजिए, वन का पजेसिव वंस होगा। तो वन शुड लुक आफ्टर वंस पेरेंट्स। ओके बच्चों, आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, शी प्लेस्ड द ऑफरिंग टू गॉड इन द ऑल्टर। यहां पर बच्चों एरर क्या है? इन द ऑल्टर बोलना है, याद रखिए बच्चों इन द ऑल्टर नहीं होता है। जब लोग ऑल्टर मतलब सोचते हैं ना, ऑल्टर, ऑल्टर मतलब होता है बच्चों वेदी, ऑल्टर मतलब होता है वेदी, वेदी समझते हैं बच्चों, वेदी, वेदी मतलब जहां पर चढ़ावा वगैरह होता है या जहां पर बलि वगैरह दी जाती है बच्चों, ठीक है ना, वो होता है ऑल्टर। एक ऑल्टर बच्चों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऑल्टर मतलब होता है टू चेंज होता है, तो ये ऑल्टर मतलब होता है वेदी। तो यहां पर इन नहीं होता बच्चों, एट होता है या ऑन होता है, एट द ऑल्टर या ऑन द ऑल्टर, ठीक है बच्चों। प्रॉपर फ्रेज क्या है बच्चों? ऑन द ऑल्टर या एट द ऑल्टर। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। सिक्स क्वेश्चन में बच्चों हम लोग आते हैं, टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवेल्युएशन। आप लोग बच्चों बहुत सिंपल सी एरर दिख रही है, अगर आप लोग ध्यान से देखें, यूनिफॉर्म वर्ड लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म, ठीक है बच्चों। अगर आप आर्टिकल पढ़ा होगा आप लोगों ने बच्चों, तो यूनिफॉर्म का जो प्रोनंसिएशन है बच्चों, साउंड जो है फर्स्ट साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के लिए क्या आता है बच्चों? ए आता है। तो आ यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवोल्यूशन हो जाएगा। ओके बच्चों, आ यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवोल्यूशन, आंसर
आंसर आप बच्चों हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। एन की जगह क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। सेवेंथ नंबर में आते हैं द न्यूज़पेपर्स, दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, एडिटोरियल्स द न्यूज़पेपर्स दे एडमिट, न्यूज़पेपर्स के बाद दे आ रहा है, तो यहां पर दे की कोई आवश्यकता नहीं है, दे सुपरफ्लुअस है। सिंपली आप ये कहिए द न्यूज़पेपर्स एडमिट दैट, न्यूज़पेपर इस बात को स्वीकार करते हैं, एडमिट करते हैं दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स, तो आंसर ए इज द राइट आंसर। एट्थ क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, नो सूनर डेट का केस है। सभी बच्चों को नो सूनर का पता होगा बच्चों, रूल क्या होता है नो सूनर का। अगर बच्चों कॉन्सेप्ट आपको ना पता हो तो नो सूनर हमेशा देन को फॉलो करता है, नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन। ठीक है बच्चों, बस आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको जरूर पता होगा। तो नो सूनर डिड आई फिनिश माय स्पीच आई वाज सब्जेक्टेड, तो यहां पर बच्चों ध्यान से देखिए देन की कमी है, तो बस यहां पर देन लगा दीजिएगा बिफोर बॉम्बे में, देन आई वाज सब्जेक्टेड, आंसर होगा बिफोर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, नाइन्थ में आते हैं, आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock। बच्चों देखिए जरा, 10 o'clock, 10 बजे, 5 बजे, सुबह 6 बजे ऑन नहीं आता है, कभी भी जो समय बताता है बच्चों 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, यहाँ पर एट आता है। तो आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल एट 10 o'clock, आंसर सी इज द राइट आंसर, आंसर सी इज द राइट आंसर। 10 o'clock मतलब 10 बजे के लिए बच्चों एट आएगा, ऑन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद 10th एरर में आते हैं बच्चों हम लोग, फाइनल एरर है, वन ऑफ माई फ्रेंड, बहुत सिंपल एरर है। वन ऑफ के बाद बच्चों सिंपल सा एक रूल होता है, वन ऑफ के बाद, अगर वन ऑफ की बात करते हैं बच्चों, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, आप सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन वर्ब क्या होती है बच्चों, सिंगुलर होती है। नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, आंसर ए इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे, कह रहा है कि बच्चों आगे फिलर्स के क्वेश्चन है, टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, इस मेडिसिन को आप लोग नियमित तौर पर लीजिए बच्चों, एंड यू विल गेट रेड, और जगह छूटी है दिस डिजीज, और आपको इस बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे। बहुत ही सिंपल है बच्चों, एक फ्रेज आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा, गेट रिड ऑफ, क्या पढ़ा होगा बच्चों, गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। बच्चों ऑफ लगा दीजिए, आंसर बहुत इजी है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, शी ट्राइज टू एडजस्ट, वो एडजस्ट करने का कोशिश करती है, जगह छूटी है हर रिलेशन, अपने रिलेशन के साथ वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है, क्या होगा बच्चों, सो होगा या विद होगा या फॉर होगा या एट होगा। तो यहाँ पर बच्चों देखिएगा, वो अपने रिलेशंस के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, मतलब वो रिलेशंस को भी मेंटेन करना चाहती है, शी ट्राइज टू एडजस्ट विद हर रिलेशंस, क्या हो जाएगा बच्चों, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, शी ट्राइज टू एडजस्ट विद, एडजस्ट विद होता है बच्चों किसी के साथ एडजस्ट करना, बहुत ईजी है बच्चों, सिंपली भरना है आपको। द न्यू गवर्नमेंट टुक, ब्लैंक है लास्ट ईयर, देखिए बच्चों दिखा है, टुक ओवर होगा, टुक अपॉन होगा, टुक आउट होगा या टेक आफ्टर होगा। तो बच्चों जो नई सरकार जो होती है वो क्या करती है बच्चों, टेक ओवर करती है, टेक ओवर का मतलब अब नई सरकार ने क्या कर लिया बच्चों, टेक ओवर कर लिया मतलब अधिग्रहण कर लिया, मतलब अब नई सरकार ने जो है पूरी तरीके से क्या कर लिया बच्चों, उसको शामिल कर लिया, मतलब वो चीज टेक ओवर कर लिया है बच्चों, समझते हैं, इन्होंने टेक ओवर कर लिया, अब नई सरकार आ गई है, अब उन्होंने सब कुछ अपने उसमें ले लिया है। तो आंसर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, द न्यू गवर्नमेंट टुक ओवर लास्ट ईयर, द न्यू गवर्नमेंट टुक ओवर लास्ट ईयर, जो नई सरकार है उसने लास्ट ईयर क्या कर लिया बच्चों, टेक ओवर कर लिया, मतलब उसने चीजों को ग्रहण कर लिया। टेक आउट क्या होता है बच्चों, टेक आउट मतलब होता है निकालना, बाहर निकालना होता है चीजों को, टेक आउट करना होता है। टेक आफ्टर क्या होता है, टेक आफ्टर मतलब किसी की शक्ल किसी से मिलती होती है। और टुक अपॉन द चैलेंज होता है, चैलेंज को क्या किया बच्चों, एक्सेप्ट किया, तो आंसर ए होगा, चार्ज लेना बच्चों जो होता है, ठीक है ना। मोहन्स करियर हैज टेकन सम इंटरेक्टिव ट्विस्ट एंड टर्न्स, ये आपका इंसेंटिव होगा या इंट्यूटिव होगा या इंटरेस्टिंग होगा। पहले सारे वर्ड्स की मीनिंग समझ लीजिए बच्चों, इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, इंटरेक्टिव मतलब जहां पर इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, और इंसेंटिव जन बच्चों जानते हैं, कोई एक अच्छा काम करेंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग आप लोग जानते हैं, इंट्यूटिव समझते हैं बच्चों, इंट्यूटिव पावर ऑफ इंट्यूशन होती है, मतलब अंदर सोचने की जो क्षमता होती है उसको इंट्यूशन बोलते हैं। तो मोहन्स करियर, उसके करियर ने जो है टेकन सम इंट्यूटिव ट्विस्ट एंड टर्न्स, मतलब कुछ सोच पर आधारित कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए हैं जो कि इंट्यूशन मतलब उसके मन में ही आए। तो आंसर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। पढ़िए बच्चों, लैंग्वेज को समझिए और ऑप्शन को देखिए। When she retired, जब वो रिटायर हो गई, she handed, उसने मतलब हैंड कर दिया, क्या कर दिया, handed over होगा, ये handed across होगा, handed out होगा, handed off होगा, phrase है बच्चों, ध्यान रखिएगा। जब वो रिटायर हो गई, she handed, जगह छूटी, the charge to the vice president,
आपको पता है जब कोई रिटायर होगा तो उसने अपना चार्ज को हैंड ओवर कर दिया जाता है, सबको पता है बच्चों, शी हैंडेड ओवर द चार्ज टू द वाइस प्रेसिडेंट। हैंडेड आउट नहीं होगा, हैंड आउट तो एक अलग चीज होती है, ठीक है बच्चों, तो हैंडेड ओवर हो जाएगा, आंसर सी इज द राइट आंसर। स्टेटिस्टिक्स, शॉर्ट में स्टैट्स बोल देते हैं हम लोग, इज होगा कि आर होगा, सभी बच्चों को पता है, इट्स द नेम ऑफ सब्जेक्ट, अगर बच्चों विषय का नाम है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, तो स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज माई वर्स्ट सब्जेक्ट, स्टैट्स का जो सब्जेक्ट है बच्चों ये हमारा सबसे वाहियात सब्जेक्ट रहा है, तो इज हो जाएगा। द बस, कह रहा है बच्चों बताना है कि बस 50 पैसेंजर्स फेल द रिवर, सिंपल सी बात है, 50 पैसेंजर्स के साथ बस जा रही थी, मतलब बस जो थी 50 पैसेंजर्स को लेकर जा रही थी, वो नदी में गिर गई, नदी में गिर गई बच्चों, नदी में गिर गई, नदी में गिर गई मतलब द बस विद 50 पैसेंजर्स क्या होगा, ध्यान दे दीजिए, द बस विद 50 पैसेंजर्स फेल इन टू द रिवर, फेल इन टू द रिवर मतलब नदी में गिर गई, तो आप सिंपल सेंस है बच्चों, बस विद 50 पैसेंजर, 50 पैसेंजर के साथ जो बस जा रही थी फेल इन टू द रिवर, आंसर सी इज द राइट आंसर। इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग कह रहा है, डोंट गो आउट, इट्स रेनिंग साउंडली होगा, स्ट्रांगली होगा, हैवीली होगा, वैसे इट्स रेनिंग फास्ट भी कह सकते हैं बच्चों, लेकिन ज्यादा अच्छा है, इससे भी और अच्छा है, इट्स रेनिंग हैवीली, इट्स रेनिंग हैवीली, बहुत जोर जोर से बारिश हो रही है, डोंट गो आउट, बाहर मत जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शी वॉज रिमार्केबली, बहुत जबरदस्त तरीके से इन सिंगिंग एंड डांसिंग, रिमार्केबली फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट समझते बच्चों, फ्लक्चुएट का मतलब जैसे फ्लक्चुएशन होता है उसके नेचर में बहुत फ्लक्चुएशन है, वोल्टेज भी फ्लक्चुएट करता है, घट रहा है बढ़ रहा है, कोऑपरेटिव बहुत कोऑपरेटिव नेचर है इनका, अकम्प्लिस्ड और कंड्यूसिव, अकम्प्लिस्ड मतलब जो कंप्लीट है बिल्कुल, जो है जो किसी काम में अपने काम में बिल्कुल जो है पूर्णतया दक्ष है, निपुण है, उसको अकम्प्लिस्ड बोलते हैं, और कंड्यूसिव क्लाइमेट होता है हमको सूट कर रहा है जो कंड्यूसिव है। देखिए बच्चों जरा ध्यान से, शी वॉज रिमार्केबली अकम्प्लिस्ड इन सिंगिंग एंड डांसिंग, यहाँ सिंगिंग और डांसिंग में क्या बच्चों अकम्प्लिशमेंट की बात कर रहा है, वो दक्ष है, कंप्लीट है, आंसर सी इज द राइट आंसर। शीला गेन्ड एन एडवांटेज, शीला ने एडवांटेज को गेन किया, हमने कहा किसके ऊपर, कहते हैं ओवर मी, गेन एडवांटेज ओवर समबडी होता है, किसी पर एडवांटेज ले लिया आपने, तो आंसर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों ये वाला जो सेक्शन है आपका, जो ये फिलर्स वाला था, पहले हमने आपको 10 क्वेश्चन बच्चों एरर्स वाले बताए कैसे सॉल्व करने, फिर ये फिलर्स वाले बच्चों इनको समझना है, वर्ड्स की मीनिंग देखना है और प्रॉपर कॉमन सेंस भी लगाना है, रूल्स भी लगाना है, सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाए। नेक्स्ट पार्ट बच्चों हम लोग आते हैं सिनोनिम्स का, नेक्स्ट पार्ट बच्चों क्या है आपको बताना है, मोस्ट जो सिमिलर वर्ड होगा वो बताना है आपको। पहला वर्ड है हर्डल, हर्डल समझते बच्चों, हर्डल, हर्डल मतलब बहुत बड़ी बाधा, कहते हैं इट्स अ मेजर हर्डल, इंग्लिश हैज बिकम अ मेजर हर्डल फॉर मी, इंग्लिश हैज बिकम अ मेजर हर्डल, हर्डल समझते बच्चों, हर्डल, हर्डल बच्चों अगर हम आपको बता दें हर्डल मतलब होती है बाधा, अगर हम आपको बाधा की बात करें तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बच्चों, हर्डल हो गया ये हम लोग कह देते हैं, इसी को ऑब्स्टेकल कह देते हैं, या इसी के लिए वर्ड इम्पेडिमेंट भी होता है, इम्पेडिमेंट भी हो जाता है, ठीक है, तो हर्डल हो गया, ऑब्स्टेकल हो गया, इम्पेडिमेंट हो गया, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बच्चों, बॉटल नेक भी कह देते हैं हम लोग, बॉटल नेक, ठीक है ना, बॉटल नेक भी कह देते हैं, तो बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, हर्डल कह दिया, ऑब्स्टेकल कह दिया, या इम्पेडिमेंट कह दिया, क्या कह दिया बच्चों, हमने कह दिया बॉटल नेक, चारों वर्ड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, बाधा होती है, तो बहुत सारी बाधाएं हैं, इनमें से एक हर्डल है, जैसे इंग्लिश हर्डल है, इसे आपको पढ़ाई जा रही है, कहते हैं इंग्लिश मेरी बहुत बड़ी हर्डल है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ऑप्शन साफ साफ आपके बच्चों लिखा हुआ, ऑब्स्टेकल देख कर मार दीजिए, आंसर 101% करेक्ट होगा। अपोजिशन पार्टीज जानते हैं कौन होती है, सस्पिशन मतलब होता है संदेह, और थ्रो मतलब जानते हैं फेंकना। अगला वर्ड है डेटर, डेटर समझते हैं बच्चों, डेटर, डेटर मीन्स होता है किसी को रोकना, डेटर मीन्स होता है किसी को रोकना, रोकना, डेटरेंट, डेटरेंट समझते हैं ना, डेटरेंट, डेटरेंट मेजर्स लेना चाहिए सरकार को, ठीक है बच्चों, सरकार को कैसे मेजर्स लेना है, डेटरेंट मतलब निवारक, अपराधियों को एक ऐसी सजा दे जिससे कि एग्जाम्पल सेट हो, तो डेटरेंट होता है, डेटर मतलब रोकना, ठीक है बच्चों। क्या ऑप्शन दिया, डिसअप्रूव नहीं होगा, हिंडर होगा, डिफर होगा, या टू नेग्लेक्ट होगा, आंसर इसका बच्चों हिंडर होगा, हिंडर मतलब होता है किसी को रोक देना होता है, डिसअप्रूव मतलब किसी को अप्रूवल नहीं दिया आपने, और डिफर मतलब किसी से डिफरेंसेस है हमारे, हमारे मतभेद हैं, हमारे विचारधारा नहीं मिलती है, तो डिफर करता हूं मैं इसको, नेग्लेक्ट जानते हैं बच्चों, किसी को नेग्लेक्ट कर देना, ध्यान ना देना, उपेक्षा कर देना, तो आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आते हैं बारबरिक, बारबरिक समझते हैं, जैसे तालिबान का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बारबरिक, अभी जैसे आप लोगों ने बच्चों कन्हैया लाल का नाम सुना होगा, जो हत्या हुई है वो बारबरिक मर्डर है, कैसा मर्डर है बच्चों, बहुत ही ज्यादा मतलब जो है क्रूर हत्या, बारबरिक मतलब जो बहुत ज्यादा क्रूर होता है, बहुत जहां बिल्कुल मानवता तार तार हो जाती है बिल्कुल जो है वो बारबरिक होता है। ऑप्शन जैसे बच्चों आपके पास दिया हुआ है, प्रीमेडिटेटेड, थॉर्नी, बारबर्स, अनसिविलाइज्ड,
तो यहाँ पर बारबरी का मतलब जो बिल्कुल असभ्य है, जाहिल है, जाहिल है, गंवार है बिल्कुल, जिसके पास सभ्यता नहीं, मैनर्स नहीं, बिल्कुल इल मैनर्ड है। ठीक है बच्चों, लैक ऑफ कंडक्ट नहीं है उनके पास, आचरण नहीं है। ठीक है, थॉर्नी क्या होता है? आंसर इसका बच्चों डी होगा, अनसिविलाइज। कहते हैं बच्चों सिविलाइज सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। थॉर्नी इसमें समझते हैं कांटों से भरा हुआ, थॉर्न मतलब कांटा, और थॉर्न एप्पल बच्चों सुना ना, थॉर्न मतलब होता है कांटा, और थॉर्न एप्पल होता है धतूरा। पता है बच्चों, थॉर्न एप्पल धतूरे को बोलते हैं, थॉर्न एप्पल। ठीक है बच्चों, और थॉर्नी मतलब क्या होता है? थॉर्नी मतलब होता है कटीला, मतलब कांटों से भरा हुआ। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। समझ पा रहे बच्चों मेरी बात को? तो बारबरिक समझ में आ गया बच्चों, हर्डल, डेटर और बारबरिक, तीनों का मतलब समझ में आ गया। हर्डल मीन्स होती बाधा, ठीक है बच्चों, दैट इज ऑब्स्टेकल, एंड डेटर मीन्स होता है टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेटर, दैट इज टू हिंडर, हिंडर समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। एंड द थर्ड वर्ड इज बारबरिक नेचर, बारबरिक नेचर मीन्स दैट इज अ पर्सन हु इज टोटली अनसिविलाइज्ड, अ पर्सन हु हैज नो सेंस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन, दैट इज बारबरिक नेचर। आई थिंक बच्चों सभी आप बच्चे समझ पाए होंगे मेरी बात को। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।